आईटीसी। हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी बजट से पहले निवेशक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं असमंजस में है कि इस बार टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जब भी ये बातें होती हैं आईटीसी स्टॉक बहुत ज्यादा फोकस में रहता है। और आईटीसी दोस्तों जो जिस तरह से गिरावट दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से एक सेलिंग प्रेशर में है आईटीसी स्टॉक तो। और जिस तरह से क्वार्टर थ्री के नंबर्स भी जा रहे हैं तो निवेशक बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है इस चीज को लेकर के कि आईटीसी में एक्चुअली करें क्या दोस्तों। और इस स्टॉक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर इतने ज्यादा आप कह सकते हैं सवाल आए थे, चाहे आप लाइव सेशन में मैंने बहुत ज्यादा देखे थे इसके ऊपर सवाल, और कमेंट बॉक्स में तो बहुत बहुत ज्यादा चल रहे हैं। क्योंकि देखिए लास्ट में भी है क्वेश्चन, और सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि आखिर टैक्स हाइक, क्या आईटीसी इस बार कह सकते हैं टैक्स हाइक कारण स्टॉक में गिरावट होगी, क्या गवर्नमेंट टैक्स हाइक करेगी। तो देखिए इस वीडियो में ना मैं बहुत सारी डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जिस आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें बहुत ही शानदार एक एक चीज को लेकर के, और ये भी बताया गया है कि कैसे टैक्स बढ़ा देना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कैसे जो कह सकते हैं आप टोबैको कंपनीज जो हैं बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस कर रही हैं। अब आप सोचेंगे भाई ये तो टोबैको कंपनीज है क्राइसिस क्रिएट कर रही हैं, अच्छी चीज है लोग सिगरेट कम पी रहे होंगे। प्रॉब्लम ये नहीं दोस्तों, सिगरेट कम पी रहे होते इट विल बी गुड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सिगरेट ज्यादा ही पी रहे हैं। जो आप कह सकते हैं स्मगल्ड सिगरेट है, जो इलीगल सिगरेट है, उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये जितने भयावह स्तर पर बढ़ रहा है ये कंपनीज के लिए ज्यादा मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए बहुत परेशानी है। और कॉम्पिटिशन इसमें दोस्तों आपस में कंपनीज कॉम्पिटिशन कर रही हैं, वो उसमें परेशान नहीं है, वो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, वो ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि जो स्मगल सिगरेट है वो कैसे मार्केट शेयर खा रही है। और मैं आपको आर्टिकल में एक एक चीज समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि आईटीसी क्यों एक आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है। और पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे आईटीसी का जो दो सेक्टर है जिसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, पहला है एग्रीकल्चर, ये अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं जिसमें एफएमसीजी भी जोड़ लीजिए, एग्री एफएमसीजी, और आप एक और कह सकते हैं होटल बिजनेस। ये चीजें हैं जो अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगी। और दोस्तों देखिए पेंडेमिक के समय में इनकी पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी, पेपर इंडस्ट्री को बहुत झटका लगा था, तो वहां से भी थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो इस आर्टिकल में दोस्तों खास करके लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो यानी वीडियो के आप कह सकते हैं अंत के समय में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो मेरा ये मानना है अगर आप आईटीसी में निवेश किए हुए हैं, निवेश की सोच रहे हैं, बजट से पहले की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए दोस्तों। बहुत इंफॉर्मेटिव, हर एक चीज से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों पहली बार आए चैनल में सब्सक्राइब का बटन दबा दें ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के लिए, और वीडियो अच्छी लगेगी ये मेरा मुझे ऐसा बिलीव है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लें दोस्तों। तो अब सीधा आर्टिकल की तरफ चलते हैं, डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं, तो विदाउट वेस्ट टाइम सीधा चलते हैं आईटीसी के एनालिसिस की तरफ। ये दोस्तों आर्टिकल की तरफ आप देखें, करेक्शन इन आईटीसी स्टॉक अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, कि जो करेक्शन हुआ आईटीसी में दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों कि ये जो टैक्स को लेकर के है ना, आप कह सकते हैं हमेशा चलता है कि टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा बजट के समय, तो इस बार कितनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें आप देखेंगे। आप देखिए एक सिनॉप्सिस है ये, अ शार्प हाइक इन टैक्स ऑन सिगरेट्स कुड सी पोस्ट बजट सेलिंग, बट द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस आर गुड एंड टारगेट प्राइस सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट अपसाइड। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट प्राइस के ऊपर मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ रैशनल की कि आखिर इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम क्या है। और मुझे लगता है आईटीसी लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत शानदार कंपनी है। ठीक है तो यहाँ थोड़ी चर्चा करते हैं कि इस आर्टिकल में, क्योंकि आर्टिकल दोस्तों बहुत शानदार है। ठीक है अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप देखें एज द बजट अप्रोचेस इन्वेस्टर्स स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग ऑन लाइकली चेंजेस इन टैक्सेशन एंड द एंसुइंग इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर।
ठीक है। देखिए जैसे ही बजट आ रहा है, अब सिगरेट कंपनी सिन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा टैक्स पड़ेगा इसको लेकर के बातें चल रही हैं, ठीक है, और उसका इंपैक्ट तमाम सेक्टर्स में होगा। और ITC इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन सिंस द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मेजर्स की रेवेन्यू सेंटर इज टोबैको एंड दैट इज अ पॉपुलर टारगेट फॉर सेंट टैक्सेस। और ITC ही नहीं दोस्तों, तमाम जो टोबैको स्टॉक्स हैं स्पेसिफिकली ITC, ये बहुत ज्यादा फोकस में रहता है जैसी बजट आता है कि भाई क्या इस बार टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू इनका इन कंपनी के साथ रेवेन्यू सरकार का इन कंपनीज के थ्रू आता है। तो इसमें दोस्तों इस आर्टिकल में ना बहुत शानदार तरीके से मैं कहूंगा एक्सप्लेन किया गया इस चीज को कि आखिर इस टैक्सेशन का ज्यादा बढ़ना क्यों ज्यादा निगेटिव पड़ता है सरकार को भी कंपनीज को भी। और ये बात मैं आपसे बहुत बहुत समय से कहता रहा हूं। आप देखें द लास्ट थ्री बजट हैव नॉट सीन टैक्स हाइक, बातें लगातार हो रही दोस्तों, लेकिन पिछले 3 साल के बजट में एक भी रेट हाइक नहीं किया गया है। सो द चांसेस ऑफ द 23-24 फाइनेंशियल ईयर सीइंग अ टैक्स हाइक इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो टैक्स हाइक है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, इस बार टैक्स हाइक होना बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट जब हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ITC कुड सी ग्रोथ इन अदर डिविजन सच एज FMCG, एग्रो, पेपर बोर्ड, होटेल्स एक्सेट्रा, बट अराउंड 37% ऑफ रेवेन्यू एंड हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट केम फ्रॉम सिगरेट। देखिए सिगरेट से प्रॉफिट आज भी ITC को बहुत ज्यादा आता है, और जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं ना दोस्तों, चाहे होटल में हो, एग्रो में हो, पेपर बोर्ड में हो, ये तमाम जो कह सकते हैं हम जो लगातार आगे बढ़ रही है ITC, ये कैश के किससे बढ़ रही है, टोबैको के कैश से बढ़ रही है। जो इसे टोबैको के बिजनेस से कैश मिलता है बहुत ज्यादा, उसी का यूज ये अन्य तमाम बिजनेस पे कर रही है। और इसीलिए मैं बताऊं दोस्तों कि कंपनी अभी आप कह सकते हैं कि डीमर्ज नहीं कर रही अपने तमाम के लिए डिविजन्स को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ITC एज अ कंपनी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ITC का ये जो एग्रो डिवीजन है ना दोस्तों, ये मुझे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर लगता है। पहला एग्रो देन होटल इंडस्ट्री, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है बहुत बहुत शानदार करेंगे आने वाले समय में। लेकिन देखिए सिर्फ टैक्स बढ़ाना ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैक्स अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। आप देखिए इधर अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज द स्मगल्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द सिगरेट मार्केट, ठीक है, जो स्मगल्ड कॉम्पोनेंट है दोस्तों सिगरेट मार्केट का। इफ ITC ब्रांड्स रिमेन प्राइस कॉम्पिटेटिव, अगर ITC जो ब्रांड है दोस्तों अगर प्राइस कॉम्पिटेटिव रहेंगे द कंपनी कैन होल्ड टू और गेन मार्केट शेयर, कंपनी होल्ड कर सकती है या मार्केट शेयर को गेन कर सकती है दोस्तों। लेकिन हाउ एवर अ बिग टैक्स हाइक कुड लीड टू इरोजन ऑफ मार्केट शेयर, लेकिन जैसी टैक्स हाइक को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो जो मार्केट इरोजन है दोस्तों वो कंपनी का हो सकता है। कि देखिए आप पिछले 3 साल से आपका टैक्स नहीं बढ़ा है, तो आप काफी हद तक जो मार्केट शेयर है आपने बढ़ाया है और ITC ने बढ़ाया है दोस्तों, लेकिन इनको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ ITC की बात नहीं तमाम कंपनी की बात कर रहा हूं, तमाम जो टोबैको कंपनीज हैं सिन स्टॉक्स हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन है, इसमें ज्यादा घबराई नहीं रहती या इससे ज्यादा परेशान नहीं रहती दोस्तों। वो परेशान रहती हैं इलीगल सिगरेट से, जो आप कह सकते हैं टैक्स फ्री स्मगल्ड सिगरेट होती है। कैसे, आप देखें अ बिग टैक्स हाइक कुड लीड टू योर मार्केट शेयर गिवन द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्मगल्ड टैक्स फ्री सिगरेट्स इन एवरी प्राइस कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मगल और टैक्स फ्री सिगरेट्स होती है ना इलीगल सिगरेट्स, ये सरकार को नुकसान पहुंचा ही रही है, तमाम कंपनीज को पहुंचा रही है, क्योंकि अब वो हर एक प्राइस रेंज में अवेलेबल है। आप देखें द शेयर ऑफ लीगल सिगरेट इन टोबैको इन टोटल टोबैको कंज्यूमशन डिक्लाइन फ्रॉम 21% इन फाइनेंशियल ईयर 20, ये पता नहीं 82 क्यों लिख दिए हैं, फाइनेंशियल टू अराउंड 10-11% एट प्रेजेंट, ठीक है, मुझे लगता है 2012 की 22 की कहना चाहेंगी, ठीक है। तो आप समझिए कि अब वो घट के मात्र 10-11% हो गई, यानी जो लीगल सिगरेट्स है दोस्तों, जी हाँ, जो यहाँ पे लीगल सिगरेट है जो टोटल टोबैको कंजप्शन है वो 21% है, घट करके 10-11% हो गई है। तो आप समझ सकते होंगे ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और कंपनी लगातार सरकार के सामने, और मुझे भी याद है कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था कि जो टोबैको कंपनीज हैं उन्होंने सरकार के सामने पूरा एक आप कह सकते हैं एक प्रेजेंटेशन दिया था यही बात को समझाने के लिए कि
कि सिर्फ टैक्स बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है, आपको इलीगल स्मगल सिगरेट के ऊपर आपको बहुत बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेस देन 1/10 ऑफ द टोबैको कंज्यूम्ड इन द कंट्री कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी पेड सिगरेट, बट दैट कॉन्ट्रीब्यूट ओवर 80% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम टोबैको सेक्टर। अब आप मुझे बताइए ये कितनी कह सकते हैं आप विडंबना है, आप कह लीजिए कि 1/10, जी हाँ 1/10 जो टोटल टोबैको कंज्यूम किया जाता है उसका जो 1/10 है आप कह सकते हैं दोस्तों वही सिर्फ ड्यूटी पेड होता है। जी हाँ, जो 1/10 होता है वही ड्यूटी पेड सिगरेट होता है और वो 80% रेवेन्यू जनरेट करता है टोटल टोबैको सेक्टर के। तो मुझे लगता है सिर्फ टैक्स बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़े स्तर पे जो सरकार है, चाहे आप कह सकते हैं सेंट्रल हो स्टेट हो, उसे इलीगल सिगरेट्स के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा मैं कहूंगा नकेल कसनी रहेगी। लेकिन आपको पता है ये किस तरह काम करता है, तो लोकल अथॉरिटीज का करना मुझे नहीं समझ में आता ये कर भी पाएंगे कि नहीं। अकॉर्डिंग टू वन एनालिसिस अ टैक्स हाइक बियॉन्ड 12% वुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट विद वॉल्यूम शिफ्टिंग अवे फ्रॉम लेजिटिमेट मार्केट एंड परहैप्स अ कट बैक इन कंजम्पशन। देखिए मैंने पहले कई बार कहा है कि 10% तक का जो रेट हाइक है उसको लेकर के जो तमाम कंपनीज हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है दोस्तों, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और आप कह सकते हैं अगर आप 12% 10% से ऊपर अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा और कंजम्पशन में भी असर पड़ेगा। और उससे ज्यादा जो मेरा डर है दोस्तों वो है इलीगल सिगरेट का जो कह सकते हैं मार्केट शेयर है ड्यूटी फ्री स्मगल सिगरेट का, वो बहुत बड़े स्तर पर फंसेगा बढ़ेगा। हिस्ट्री शोज दैट ड्यूरिंग फाइनेंशियल 13-17 ड्यूटी ऑन सिगरेट इंक्रीज शार्पली एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.7%, बट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम सिगरेट ग्रो एट ओनली 4.7% CGR। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आप ये कितना ज्यादा डेंजरस दोस्तों एस्पेक्ट है कि इतिहास में फाइनेंशियल ईयर 2013-17 तक अगर देखेंगे तो जो ड्यूटी है वो सिगरेट में 15% ज्यादा के कम CGR से बढ़ाई गई, लेकिन रेवेन्यू मात्र 4.7% से बढ़ा। दिस सॉर्ट ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस विल हैव फेयरली हाई एरर वैल्यू बट दैट गो बोथ वेज, ठीक है। देखिए ये आप कह सकते हैं ये जो इस तरह की जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं इस बात को इशारा कर रही हैं कि सिर्फ टैक्स बढ़ाना ही प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ टैक्स बढ़ा देने से, किसी कंपनी में सिलेबस छटनी कर देने से, आप देखते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है लोग सीधा फायर करने लगते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ सीधा अपने एम्प्लॉयज को फायर करने लगते हैं और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है सीधा बैन में चले जाते हैं, ये कभी भी किसी भी इशू का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता दोस्तों। ITC क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 23 सेल्स एंड EBITDA ये है दोस्तों ग्रू 27% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 सेल्स ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 7%, ठीक है। जबकि क्वार्टर 3 में जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों वो 7% रहेगी, ये बात कही जा रही है। व्हाइल EBITDA ग्रोथ गुड, और जो EBITDA ग्रोथ है वो कहा जा रहा है कि कुछ स्तरों पे बाय 17% वो 17% बढ़ेगी ईयर ऑन ईयर गिवन ए स्ट्रॉन्गर बेस। मार्जिन एक्सपेंशन हैज बीन सीन इन क्वार्टर 2 एंड दिस कुड कंटिन्यू टू सम एक्सटेंड सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23। मार्जिन एक्सपेंशन हमको क्वार्टर 2 में देखने को देखा गया और ये क्वार्टर फाइनेंशियल आप कह सकते हैं इस बार भी जारी रहेगी। द प्लस फैक्टर्स फॉर द कंपनी इंक्लूड रिवाइवल इन सिगरेट डिमांड एज द इकोनॉमी पुल आउट ऑफ द पेंडेमिक, अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द होटल सेक्टर, अ क्लासिक अनलॉक ट्रेड वेयर कॉस्ट हैव बीन पेयर्ड, रेवेन्यू आर राइजिंग एंड लोअर इनपुट कॉस्ट प्रेशर वर्सेस पीयर मेक ITC लुक अट्रैक्टिव। देखिए ITC के लिए कुछ अच्छी चीजें भी हैं, क्या है देखिए सिगरेट के वॉल्यूम जो सिगरेट की डिमांड है वो बढ़ी है, जैसी इकॉनमी खुली आप घर में तो कम सिगरेट पियोगे भाई, बाहर ऑफिस में रहोगे घूमोगे ज्यादा सिगरेट पियोगे, तो उस कारण सिगरेट में डिमांड बढ़ी है। मार्केट इंप्रूव्ड हुआ दोस्तों, मार्क्ड इंप्रूवमेंट हुआ किसमें, होटल सेक्टर अपने सबसे शानदार पीरियड की ओर चल रहा है, ठीक है। और इस तमाम चीजों से देखते हुए दोस्तों ITC बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। रूरल इकोनॉमी को ड्राइव बोथ द सिगरेट बिजनेस एंड इट्स अदर FMCG एक्स सिगरेट गिवन एक्सटेंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द पेपर सेगमेंट ऑल्सो लाइकली टू सी ग्रोथ। देखिए पेपर सेगमेंट में बहुत बुरे दिन देखे थे दोस्तों, किस चीज में, पेंडेमिक के समय में, लेकिन अब पेपर पैकेजिंग प्लस सिगरेट बिजनेस ये सब अच्छे दिखेंगे दोस्तों रूरल इकोनॉमी अगर बढ़ती दिखाई दे रही है। द स्टॉक दो इज सीइंग सम सेलिंग प्रेशर, इट्स अप 48% इन द लास्ट 12 मंथ बट डाउन बाय 4.7% लास्ट मंथ, ठीक है।
पिछले एक साल में स्टॉक 48% ऊपर गया है दोस्तों, लेकिन 4.7% डाउन रहा है पिछले एक महीने में। इट इज लाइकली टू सी सेलिंग इंटेंसिफाइंग इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट एज बजट नियर। और सेलिंग जब तक बजट आएगा बहुत ज्यादा हैवी होती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों आप कह सकते हैं एक दौराहे पे खड़ा हुआ है ये स्टॉक, क्यों? इफ मैं आपको दिखा दूं यहां पे, वन सेकेंड, हाँ आप देखें, इफ देर इज अ टैक्स हाइक ऑन सिगरेट देर विल बी पोस्ट बजट सेलिंग। ठीक है, अगर हाइक किया जाता है तो सेलिंग होगी। गिवन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट द एक्सलेंट बैलेंस शीट विथ हाई कैश फ्लोज एंड लो डेट दिस प्रॉब्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी टारगेट प्राइस अराउंड 400 सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट अपसाइड। ठीक है, और 400 रुपए का टारगेट कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा हूं दोस्तों, कह रहा हूं मैं कि आईटीसी में ये मत सोचिए कि बजट से पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अगर एक डिसिप्लिन बनाइए कि आज से लेकर के भाई मैं अगले 10 महीनों तक, या आप कह सकते हैं 10 महीने ही कहना चाहिए, आज से आने वाले हर हफ्ते या हर दिन मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आईटीसी खरीदूंगा बहुत ही डिसिप्लिन मैनर पे, चाहे स्टॉक गिरे भागे। क्योंकि देखिए कभी भी आप ये तो नहीं बता सकते कि भाई यहां रुकेगा वहां रुकेगा, लेकिन हाँ इन लेवल्स में एक्यूमुलेशन करना इट्स अ प्रीटी गुड। आईटीसी एक बहुत शानदार स्टॉक है, तो हमें ये स्टॉक धीरे धीरे खरीदना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, और लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा खरीदारी की दोस्तों। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।